नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सीएसके पास हैदराबाद के बीच में जो आईपीएल 2024 का 18वां मुकाबला खेला जाने वाला है उसकी। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कैसे आपको आज के मैच में टीम बनाना है, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है, सब कुछ ए टू जेड आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और भाइयों, आईपीएल आपके भाई का बड़ा ही जबरदस्त चल रहा है। कल फिर से आपके भाई ने भाइयों ग्रैंड लीग में टॉप किया। कल आपके भाई ने फिर से सारी ग्रैंड लीग विन कर ली इस आईपीएल में एक बार फिर से। तो दिखाऊंगा आपको कल का रिजल्ट। बाकी अगर आपने कल ग्रैंड लीग के कॉन्टेस्ट लगाए होंगे तो आपको आपका भाई वैसे भी टॉप पे दिख ही रहा होगा। अभी मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है। तो भाई आईपीएल बड़ा ही जबरदस्त चल रहा है। जिस मैच में जो बोल रहा हूँ वही हो रहा है, जिस प्लेयर को फ्लॉप बोल रहा हूँ वही फ्लॉप जा रहे हैं, और एक एक दो दो परसेंट वाले प्लेयर जिनका बोलता हूँ चलेंगे वो चल जा रहे हैं। आज क्या होगा वो भी बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको आज के मैच की पिच रिपोर्ट बता दूंगा, फिर उसके बाद में कल का रिजल्ट दिखा दूंगा और टीम बना के बता दूंगा। फिर आज की वीडियो में आपके लिए गिव अवे भी है, स्पेशल गिव अवे। वो क्या है कि भाई देखो 31 लाख रुपये जीता हूँ मैं कल, तो आपको भी कुछ देना बनता है, तो एक गिव अवे भी है आपके लिए। तो वो क्या रहेगा वो आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मैं आपको आज के मैच की पिच रिपोर्ट बता देता हूँ भाइयों। हैदराबाद में मैच खेला जाएगा भाइयों, हैदराबाद का होम ग्राउंड है। और यहाँ पे होता क्या है समझ लो, पहले बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा मैच विन करती है, फास्ट गेंदबाजों को ज़्यादा ज़बरदस्त हेल्प मिलती है। वैसे हैदराबाद का होम ग्राउंड है तो थोड़े ज़्यादा जीतने के चांसेस हैदराबाद के रहेंगे, लेकिन हाँ चेन्नई की टीम ऐसी है जो कोई सी भी टीम को आसानी से हरा सकती है। चेन्नई की टीम स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। बाकी हैदराबाद भी स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त है उनके पास में भी। बाकी जो टीम पहले बैटिंग करेगी जीतने के ज़्यादा चांसेस उसके रहेंगे। और ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर रनों की बरसात होती है, बनते नहीं है, बरसते हैं यहाँ पर रन। तो बल्लेबाज भी आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बात की जाए फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो फास्ट गेंदबाजों को यहाँ पे ज़बरदस्त हेल्प मिलती है, और पहले बैटिंग करने वाली टीम ज़्यादा मैच विन करती है। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी फेवरेट रहेगी, और उसकी टीम उसी टीम के फेवर में मेरी टीम रहेगी, ठीक है भाइयों। तो ये थी पिच रिपोर्ट। बाकी अब इस पिच पे कौन से प्लेयर्स को आपको किस कंडीशन में लेना है वो मैं आपको टीम बनाते हुए बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कल का रिजल्ट दिखाऊँगा। चलो ले चलता हूँ आपको सीधे ड्रीम इलेवन पे, कल का रिजल्ट दिखा देता हूँ आपकी। पहले तो मैं तबीयत मस्त किए देता हूँ, तो दिखा देता हूँ भाइयों कल का रिजल्ट, फिर मैं आपको टीम बना के बता दूंगा। तो दिखा दो कल का रिजल्ट, ओपन तो हो गया है। चलो ये है भाइयों कल का रिजल्ट, आपके सामने शो हो रहा है 30,81,000 रुपये 4 कॉन्टेस्ट में। मजा आया, अभी रुक जाओ और मजा आएगा। देखो ये मेरी टीम थी कल के मैच में, एस सिंह 2% है, ए शर्मा 0% है, प्रभ सिमरन सिंह 20% है, नालकंडे एक विकेट और लेता तो आपका भाई 6.5 करोड़ रुपए जीतता। आखिरी ओवर डाल ही रहा था, एक ले लिया था, एक और ले लेता ना तो आपका भाई 6.5 करोड़ रुपए जीतता। दिखाता हूँ आपको, ये देखो 375 वाले में 15 लाख था, जीत गया। सबसे बड़ी ग्रैंड लीग देखो, 4 करोड़ फर्स्ट प्राइस वाली ग्रैंड लीग में मेरी रैंक है 18। अगर मेरे पास अगर नालकंडे, देखो नालकंडे अगर एक विकेट लेता ना तो आपका भाई ये 4 करोड़ रुपए भी जीतता। 1 से लेके 17 तक के किसी के पास में नालकंडे नहीं है, सबके पास राशिद खान था, तो 4 करोड़ रुपए मिस हो गए। नीचे वाली में देखो 39 रुपए की जो ग्रैंड लीग थी, 2 करोड़ रुपए फर्स्ट प्राइस था, इसमें मेरी रैंक है 12। यहाँ पे 2 करोड़ रुपए विन हो जाते नालकंडे एक विकेट ले लेता तो। बाकी इसके नीचे वाली जो ग्रैंड लीग थी 125 रुपए वाली, वो भी उसमें भी आपके भाई ने टॉप किया है, पूरा 15 लाख रुपए विन किया है। तो भाई ये था कल का रिजल्ट। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, इस आईपीएल में आपके भाई ने 5 बार ग्रैंड लीग जीती है
और सबकी रील्स बना के डाली है। लाइक ठोक देना भाई, 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। एक रील्स तो इतनी वायरल हो गई कि उस पर 2 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं। तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, बाकी आपका भाई वहाँ पे ग्रैंड लीग विनिंग अपनी डालता रहता है। इस चैनल के शॉर्ट में भी मैंने ये विनिंग पोस्ट की है, तो वो भी वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है भाइयों, तो कल का रिजल्ट देख लिया, हुई तबीयत मस्त, तो एक लाइक ठोक देना वीडियो पे, एक कमेंट ठोक देना कॉन्ग्रेचुलेशन की। सबकी कॉन्ग्रेचुलेशन पे लाइक ठोकने वाला हूँ भाइयों। 31 लाख रुपए हो गए आपके भाई के वॉलेट में। चलो बात कर लेते हैं आप सीधे आज के मैच के ऊपर, आज के मैच में कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे भाइयों विकेट कीपर सेक्शन में। तो भाइयों इस मैच में विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको 2 विकेटकीपर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, धोनी और क्लासेन, और दोनों ही विकेट कीपिंग करेंगे। और क्लासेन आपको 5वें पे खेलता हुआ दिखाई देगा, बाकी धोनी ऐसा है कि अगर चेन्नई हारेगी तो धोनी बैटिंग करने आएगा, नहीं तो धोनी बैटिंग करने नहीं आएगा। ठीक है, तो चेन्नई कब हार सकती है, बाद में बैटिंग करते हुए, मतलब आप सेकेंड बैटिंग में धोनी को ट्राई कर सकते हो। तो ध्यान रखना सेकेंड बैटिंग में आज धोनी फिर से वही वाला काम कर सकता है जो पिछले मैच में किया था, और आपके भाई ने बोला था ना सेकेंड बैटिंग में, तो आज भी बोल रहा हूँ सेकेंड बैटिंग में धोनी को ट्राई कर सकते हो। विकेट कीपिंग तो करेगा ही करेगा, साथ में अगर चेन्नई हारेगी तो वही स्ट्राइक भी नहीं देता फिर वो, अगर बैटिंग पे आता है तो खुद ही खुद मारता है। तो देख लेना धोनी भाई, ठीक है, लास्ट मैच में बता दिया है, अभी हम जिंदा है। ठीक है, तो धोनी भाई मेरा, यार देखो धोनी सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेयर है, धोनी से ज़्यादा फेवरेट मेरा प्लेयर और कोई सा नहीं है, सचिन है, और अब सचिन कहाँ खेल रहा है, सचिन सबसे ज़्यादा फेवरेट, उसके बाद धोनी, फिर युवराज, फिर उसके बाद में मालूम है कौन है, हाँ ये 3 प्लेयर, यूसुफ पठान, इरफान पठान, ये भी अच्छे हैं मेरे जो फेवरेट प्लेयर है ना, पुराने पुराने, शुरू से मैच देखता आ रहा हूँ यार भाई, मैं जब छोटा था ना 5 साल का तब से मैच देखता हूँ मैं, मालूम है स्कूल से भाग के आ जाया करता था मैच के चक्कर में। चलो यार बात करते हैं सीधे आज की टीम के ऊपर। तो भाई क्लासेन के ऊपर बात कर लेते हैं, क्लासेन दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई भी टीम बॉलिंग करे बैटिंग करे, सेकंड बैटिंग में तो कैप्टन भी बन सकता है। ठीक है, तो क्लासेन मेरी टीम में रहेगा, सेकंड बैटिंग में कैप्टन इसलिए बन सकता है क्योंकि हैदराबाद सेकंड बैटिंग में हार सकता है, तो हैदराबाद हारेगा तो क्लासेन की बैटिंग जल्दी आ जाएगी, जल्दी बैटिंग आ जाएगी तो फिर वो जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे रन बना देगा, ज़्यादा रन बना देगा। ठीक है, बाकी विकेट कीपिंग से पॉइंट लेगा ही लेगा। अभी के लिए मैंने बस क्लासेन को लिया है, बाकी धोनी को भी आप ट्राई कर सकते हो सेकंड बैटिंग में, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई सेकंड बैटिंग में, बाकी अभी के लिए बस क्लासेन। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में आ गया हूँ, बैटिंग सेक्शन में कौन कौन से प्लेयर ले रहा हूँ बता देता हूँ आपको। देखो भाई अगर चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ से मैं रचिंद्र रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ इन दोनों को लूंगा, अगर SRH पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को लूंगा। ठीक है, समझ गए ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि जो टीम पहले बैटिंग करेगी ज़्यादा रन बना सकती है और ओपनर लंबा जा सकते हैं फर्स्ट बैटिंग में, तो जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसके दोनों ओपनर उठा लूंगा, गायकवाड़ और रचिंद्र रविंद्र अभी ले रहा हूँ इन दोनों को, मान के चल रहा हूँ चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो यहाँ से ट्रेविस हेड को भी ले सकते हो, क्योंकि भाई देखो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और ट्रेविस हेड बड़ा ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है, तो ले सकते हो, पर अभी के लिए मैंने बस 2 बल्लेबाज लिए हैं। बाकी रहाणे वन डाउन बैटिंग करेगा, चाहो तो वन डाउन प्लेयर को भी आप ले सकते हो, पर देखो ओपनिंग लंबी जाएगी तो वन डाउन रहाणे नहीं, कोई और आ जाएगा, दुबे आ जाएगा, ठीक है वन डाउन, तो इसलिए नहीं ले रहा हूँ, जब मैं मान के चल रहा हूँ कि ओपनिंग लंबी ही जा रही है तो बस 2 ओपनर को ही रख रहा हूँ। ठीक है, बाकी सेकंड इनिंग में जल्दी विकेट भी जा सकते हैं तो मैं ट्रेविस हेड को भी नहीं ले रहा हूँ, मयंक अग्रवाल को भी नहीं ले रहा हूँ और अभिषेक शर्मा को भी नहीं ले रहा हूँ। बाकी हाँ यहाँ से 2 जो प्लेयर है अब्दुल समद और रिजवी, ये दोनों साथ में मालूम है क्यों है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ग्रैंड लीग जितवाएंगे फिर से कल की तरह 0-0%। अब्दुल समद तो लास्ट मैच में चल भी गया था, चलो समझा देता हूँ इन दोनों के बारे में, अब्दुल समद और एस रिजवी के बारे में। SRH अगर बाद में बैटिंग करती है तो अब्दुल समद को ले सकते हो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीमों में, क्यों ले सकते हो, क्योंकि सेकंड बैटिंग हारने वाली है, सेकंड बैटिंग हारेगी तो अब्दुल समद की बैटिंग आएगी जल्दी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब्दुल समद आपको लो सिलेक्शन वाला प्लेयर 80 पॉइंट अभी तक के है, टोटल 80 पॉइंट इस मैच में भी दिला सकता है,
तो सेकंड बैटिंग में अब्दुल समद इम्पोर्टेंट रह सकता है, और एस रिजवी, इसका भी सिलेक्शन 2% है, और एस रिजवी की भी बैटिंग कब आने के चांसेस है, सेकंड बैटिंग में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो दोनों प्लेयर हैं, दोनों में से एक लेना है किस कंडीशन में, जो टीम बाद में बैटिंग करें, समझ गए इन दोनों का। बाकी जो प्लेयर है वो जैसे पहले बैटिंग कर रही चेन्नई, तो मैं दो लेके चल रहा हूँ ओपनर, बाकी इनके साथ में आप चाहो तो शिवम दुबे को भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो पहला विकेट लेट गिरेगा तो अगला कौन आएगा, शिवम दुबे, ये काम भी आप कर सकते हो, फिर शिवम दुबे भी लपक के रन बना सकता है। तो तीन रख रहा हूँ अभी के लिए भाई, तीन बल्लेबाज रख रहा हूँ, चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है, ये सोच के मैं आपको टीम बना के बता रहा हूँ। बल्लेबाज में और किसी को नहीं रख रहा हूँ, बाकी अब्दुल समद पे ध्यान रखना अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है तो। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स में, ऑलराउंडर में आ गया हूँ, बात कर लेते कौन कौन से ऑलराउंडर आपको इस मैच में लेना है। तो भाइयों यहाँ से रविंद्र जडेजा को आप दोनों कंडीशन में लेना, क्योंकि इस पिच पे स्पिनर्स को भी टर्न मिलता है। अभी टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने यहाँ पे 15 विकेट लिए थे इसी पिच पे इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में, तो ध्यान रखना रविंद्र जडेजा के रिकॉर्ड अच्छे हैं। प्लस क्या है कि आप देखोगे एसआरएच की टीम तो उसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को हटा दोगे तो सबके सब राइट हैंडर्स प्लेयर, तो एसआरएच के विकेट हमेशा लेता ही है भाई रविंद्र जडेजा, इस मैच में भी ले सकता है। ठीक है, बाकी बैटिंग भी अच्छी करता है रविंद्र जडेजा, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर बैटिंग से आप ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो तो सेकंड बैटिंग में ज़्यादा रन मारता हुआ दिखाई दे सकता है, बाकी फर्स्ट बैटिंग में भी देखो भाई ज़्यादा नीचे बैटिंग करता नहीं है, तो फर्स्ट बैटिंग में भी अच्छा आपको काम करके दे सकता है। बाकी डेरिल मिचल को आपको कब लेना है, फर्स्ट बॉलिंग में, सेकेंड बॉलिंग में रिस्की रहेगा, पहले बैटिंग करते हुए भी रिस्की रहेगा, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, रन मार के दे सकता है पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन मैं इसको लूंगा कब, फर्स्ट बॉलिंग अगर सीएसके करेगी तब। तो अभी मैं कौन सी टीम बना रहा हूँ, सीएसके पहले बैटिंग कर रही है वो वाली, तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ डेरिल मिचल को। बाकी हाँ यहाँ से ये दो ऑलराउंडर्स को ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, दोनों को ही ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ बता देता हूँ। देखो भाइयों अगर एसआरएच पहले बॉलिंग कर रही है और दोनों प्लेइंग 11 में है तो आपको देखो सुंदर लेफ्टियों के विकेट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, रचिंद्र रविंद्र शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, तो ये तीन जो है लेफ्टी है चेन्नई में, तो उनके विकेट वॉशिंगटन सुंदर ले सकता है अपनी स्पिन में। और इसी पिच पे वॉशिंगटन सुंदर ने लास्ट ईयर 4 विकेट निकाले थे दिल्ली के लेफ्टियों के, तो सुंदर के यहाँ पर रिकॉर्ड अच्छे हैं भाई राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, और चेन्नई की टीम में लेफ्टी है तो लेफ्टियों के शिकार कर सकता है। और बाकी देखो एसआरएच पहले बॉलिंग कर रही है तो भाई हारने के चांसेस रहेंगे, तो एसआरएच अगर बॉलिंग कर रहा है तो बैटिंग वॉशिंगटन सुंदर कब करेगा, मिडिल ऑर्डर में 6-7 पे, तो उस टाइम पे आके रन मार सकता है, जैसे कल शशांक सिंह ने मारे, आयुष्मान ने मारे ना शर्मा ने, वैसे ही रन मार सकता है। ठीक है, तो सुंदर का बता दिया। बाकी शाहबाज अहमद की बात करते हैं तो भाई ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचल, धोनी और सलमान रिजवी है, बहुत सारे राइट हैंडर्स हैं तो उनके विकेट ले सकता है शाहबाज अहमद। प्लस शाहबाज अहमद का भी वही सीन है, अगर एसआरएच हार रही है तो ये भी आपको नीचे बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा, टीम जो हारती है उसका मिडिल ऑर्डर ज़्यादा अच्छा काम कर देता है, मैच पलट भी देते हैं कभी कभी, तो जैसे कल पलट दिया, हारा हुआ मैच जितवा दिया, घोड़ा उड़ गया भाई। तो शाहबाज अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर है और चेन्नई के राइट हैंडर्स के विकेट ले सकता है, बाकी चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है तो ये बॉलिंग से इम्पोर्टेंट रहेगा, साथ में सेकंड बैटिंग से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है भाइयों, तो यहाँ से मैंने लिए अभी तीन ऑलराउंडर, बाकी आप चाहो तो इस टीम में माकरम को भी ट्राई कर सकते हो, पता चल रहा है वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेल रहा है तो वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर माकरम आ जाएगा। ठीक है, अगर वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलेगा तो यहाँ से क्या करना, आप माकरम को ले लेना। ठीक है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि सुंदर खेल रहा है तो अभी मैं सुंदर को ले रहा हूँ। तीन बल्लेबाज, एक विकेट कीपर, तीन ऑलराउंडर। अब चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में देखो भाई प्लेयर में जब लेता हूँ जब टॉस हो जाता है, बाकी आपको समझा देता हूँ किसको बॉलिंग फर्स्ट में लेना है, किसको सेकेंड बॉलिंग में लेना है। तो दीपक चहर सीएसके अगर बैटिंग करती है तो बिल्कुल ले लो। ठीक है, क्यों ले लो, क्योंकि सेकंड बॉलिंग में हमेशा 2-3 विकेट निकालता है, तो सीएसके अगर सेकंड बॉलिंग में है तो दीपक चहर का खाता भर सकता है। लास्ट मैच में फ्लॉप बोल दिया था फर्स्ट बॉलिंग में, नहीं लिया ना, इस मैच में बोल रहा हूँ सेकंड बॉलिंग में ले सकता है,
और जिस दिन 2 विकेट लिए थे उस दिन सेकंड बॉलिंग थी और आपके भाई ने लेके दिया था ओपन टीम में। तो आज भी सीएसके अगर बैटिंग करेगी तो दीपक चेर को जरूर लूंगा, और सीएसके बैटिंग करेगी तो यहाँ से पेट कमिंस को भी लूंगा। बोलोगे भाई पेट कमिंस को क्यों लिया, तो भाई वो डेथ ओवर में आ रहा है सीधे सीधे बॉलिंग करने, तो फर्स्ट गेंदबाजी में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डेथ ओवर में विकेट निकाल के दे सकता है। ठीक है, बाकी पथी राणा को नहीं लूंगा अगर सीएसके पहले बैटिंग करेगा तो। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि ये 14वां 16वां 18वां 20वां ओवर डालेगा, बहुत लेट आएगा भाइयों, तब तक के पता चल रहा पूरी मलाई दीपक चेर तुषार देशपांडे खा जाए, तो वो बात है ना। बाकी सिलेक्शन भी ज़्यादा है पथी राणा का, तो सेकंड बॉलिंग में फ्लॉप हो सकता है, लेकिन हाँ फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों बताऊंगा आगे। तो यहाँ से दो प्लेयर ले लिए मैंने, और किसको ले रहा हूँ, यहाँ से देशपांडे को ले रहा हूँ। अब बोलोगे भाई देशपांडे को क्यों लिया है, तो बता देता हूँ देशपांडे को क्यों लिया है। देशपांडे भी सेकंड बॉलिंग में ज़्यादा विकेट लेता है, पावर प्ले में गेंदबाजी करता है, जबकि फर्स्ट बॉलिंग में फ्लॉप जाता है, तो सेकंड बॉलिंग का गेंदबाज है तुषार देशपांडे भी। ठीक है भाइयों, बचा है बस एक प्लेयर बता देता हूँ मैं कौन सा रहेगा। एक ही प्लेयर बचा है, तो भाइयों यहाँ से ले रहा हूँ माकरम को। ठीक है, तो ये टीम बन रही है भाइयों मेरी अगर सीएसके पहले वेटिंग कर रहा उस कंडीशन में। बात करेंगे सीबीसी की, तो सीबीसी बताने से पहले आपको दो चार बातें बताना है, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टीम बना के बताता हूँ भाइयों। मेरा टेलीग्राम चैनल सिर्फ एक ही है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहीं से मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी। बाकी रोज शाम को 6 बजे लाइव आ जाता हूँ, पूरा ग्रैंड लीग विनिंग प्रेडिक्शन लाइव सेशन में दे देता हूँ, जो न्यू अपडेट्स होती है सब बता देता हूँ, एक ग्रैंड लीग की टीम बना के बता देता हूँ, फ्लो प्लेयर ट्रंप प्लेयर पिच रिपोर्ट जो भी अपडेट्स रहती है सब कुछ लाइव सेशन में बता देता हूँ। तो वीडियो तो देखो ही देखो, साथ में लाइव सेशन भी देखो। अगर आपके भाई की तरह पर डे ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो, आईपीएल में हमेशा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो, हमेशा मतलब सालों कंटिन्यू ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो, तो बस लाइव सेशन वीडियो देखते रहो, जब भी देता हूँ प्रेडिक्शन फॉलो करते रहो भाई। फैंटेसी की दुनिया में अगर कोई ग्रैंड लीग जीतता है तो वो है आपका भाई, फैंटेसी की दुनिया में अगर कोई ग्रैंड लीग जितवाता है तो वो है आपका भाई, बाकी लोगों से तो स्मॉल लीग ही विन नहीं हो पाती है। ठीक है भाइयों, तो फॉलो करोगे तो ग्रैंड लीग जीतोगे। तो अब बात करते हैं, हाँ ये बता दिया मैंने कि टेलीग्राम चैनल मेरा जो रियल है उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, लाइव मिलता हूँ 6 बजे, लाइव सेशन ज्वाइन कर लिया करो। बाकी इसके अलावा एक बात हो रही है, मैं प्राइम मेंबरशिप भी देता हूँ भाइयों। प्राइम ग्रुप में आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे वो बता देता हूँ। प्राइम ग्रुप में आपको बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि मेरी ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी आपको, जैसे ही टॉस होता है लाइनअप आउट होता है मैं प्राइम ग्रुप में ग्रैंड लीग की टीम्स भेजता जाता हूँ, और ज़्यादातर वही टीमों से मैं भी ग्रैंड लीग जीतता हूँ और मेरे बंदे भी उसी टीमों में थोड़ा बहुत चेंज करके 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपये वाली ग्रैंड लीग जीत जाते हैं। तो प्राइम भी ज्वाइन कर सकते हो, प्राइम ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, मेरा रियल टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, चाहो तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, चाहो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ आपको, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9131658484, यहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, बाकी मुझसे भी मैंने इसलिए बोल के बता दिया, क्या है कि मेरे नाम से आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो उनसे बच के रहो भाइयों। क्या है कि आजकल कोई भी मेरी डीपी लगा लेता है और हर किसी को मैसेज करने लगता है। ठीक है, तो उनसे बच के रहो, सतर्क रहो। व्हाट्सअप नंबर मैंने बोल के बता ही दिया अपना, उस पर आप कॉन्टेक्ट करो, प्राइम आपको मिल जाएगा। बाकी आप व्हाट्सअप पे आओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी और व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, साथ में प्राइम की डिटेल भी आपको मिल जाएगी। अब वीडियो करते हैं भाइयों आगे, आगे क्या है, ये तो टीम थी सीएसके के फेवर में, पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में, बात रहेगी सीबीसी किसको बनाना है। तो भाई वो देखो, पहले बैटिंग अगर सीएसके कर रही तो यहाँ से एसआरएच की तरफ से डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा पेट कमिंस, आप कैप्टन बना सकते हो। वॉइस कैप्टन चाहो तो भाई देखो शाहबाज अहमद को बना सकते हो, वॉशिंगटन सुंदर को बना सकते हो अगर खेल रहा है तो, चाहो तो जडेजा को बना सकते हो, पर अभी हाल फिलहाल के लिए मैं किसको बना रहा हूँ पता है आपको, क्लास इनको बना रहा हूँ। अब बोलोगे भाई सीएसके के फेवर में टीम बना रहे हो, सीबीसी इनके बना रहे हो, तो भाई वो ऐसा है कि देखो सीएसके पहले बैटिंग कर रहा है तो क्लासेन आपको मारता हुआ दिखाई देगा सेकंड बैटिंग में, प्लस पेट कमिंस भी बैटिंग कर लेता है और क्या है डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, प्लस
क्लासेन जो है विकेट कीपरिंग भी तो करता है मेरे भाई। बाकी हाँ, क्लासेन को जडेजा कई बार आउट कर चुका है, तो जडेजा से थोड़ा सा डर रहता है क्लासेन को। बाकी क्लासेन का दिन होगा तो जडेजा की पिटाई भी हो सकती है आज, लेकिन ज़्यादातर जडेजा ही जीत जाता है क्लासेन से। तो ये मेरी टीम रहेगी भाइयों, अगर सीएसके बैटिंग करेगा तो। अब बाकी एक टीम में आपको बना के बता देता हूँ, अगर एसआरएच पहले बैटिंग करेगा तो उस कंडीशन में मेरी क्या टीम रहेगी। देखो भाई, एसआरएच पहले बैटिंग कर रहा है ना, तो आप चाहो तो धोनी को भी ले सकते हो, ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे ले सकते हो। एसआरएच बैटिंग कर रहा है तो भी आप क्लासेन को ले लो, फिर आप यहाँ से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और किसको ले सकते हो बता देता हूँ, और यहाँ से शिवम दुबे को भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से किसको ले सकते हो, पहले बॉलिंग में जडेजा को लेना ही है, डेरिल मिचेल को भी लेना ही है, और यहाँ से ये दो ऑलराउंडर तो आपको बॉलिंग से भी काम करके दे सकते हैं, ठीक। और सीएसके अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो पथिराना को ज़रूर लेना है और मुस्तफिजुर रहमान को भी लेना है, इनके बारे में बताया नहीं था, अब बता देता हूँ। ये दोनों भाइयों फर्स्ट बॉलिंग में विकेट लेते हैं, क्या है कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, और पथिराना हमेशा फर्स्ट बॉलिंग में सीवीसी बनाने लायक रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये डेथ ओवर्स में 14वां, 16वां, 18वां और 20वां ओवर डालता है, तो उस टाइम पे क्या है कि फर्स्ट गेंदबाजी में हमेशा विकेट मिल जाते हैं। लास्ट मैच में भी बोला था, कैप्टन बन गया था, मेरा कैप्टन था मुकेश कुमार के साथ में, उस मैच में एक प्लेयर की वजह से ग्रेडिंग मिस हुई थी लास्ट सीएसके के मैच में। तो आज भी फर्स्ट बॉलिंग करते हुए पथिराना आपको ज़्यादा विकेट निकाल के दे सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है भाइयों। आज क्या पार्टी करके आ गया हूँ, ज़्यादा खा के आया हूँ तो डकारे आ रही बार, ठीक है। तो पथिराना पे ध्यान रखना, फर्स्ट बॉलिंग में इम्पोर्टेंट है। रहमान पे ध्यान रखना, फर्स्ट बॉलिंग अगर सीएसके की है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 प्लेयर हो चुके हैं, बचा है बस एक प्लेयर। तो भाइयों देखो, फर्स्ट बॉलिंग में दीपक चेहर को छोड़ो, देश पांडे को छोड़ो, लेना किसको है, पथिराना और यहाँ से रहमान को। बाकी सेकंड बॉलिंग अगर हैदराबाद की पहले बैटिंग करेगी हैदराबाद, तो सेकंड बॉलिंग भी करेगी, तो उस कंडीशन में आप चाहो तो भुवनेश्वर कुमार को ट्राई कर सकते हो, पर भुवनेश्वर कुमार का फॉर्म अभी सही नहीं है, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग में अच्छी पिक रह सकता है, खासकर सेकंड बॉलिंग में। तो देख लेना, सेकंड बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार 14% सिलेक्शन काम करके दे सकता है, तो ये काम आप कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, वो कैसा काम है बता देता हूँ। एक काम आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से किसी एक बल्लेबाज को कम करके, जैसे कि डेरिल मिचेल को कम करके, जेदे उनाडकट को भी आप ले सकते हो, ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हो, समझ गए। बाकी एक काम और कर सकते हो, वो काम ये है कि आप यहाँ से चाहो तो दुबे को हटा के डेरिल मिचेल को ले सकते हो, ये काम भी आपका बढ़िया हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगी हैदराबाद के फेवर में ग्रैंड लीग की टीम। स्मॉल लीग में भी आप लगा सकते हो, ज़्यादातर इसको स्मॉल लीग में यूज़ करोगे तो बढ़िया रहेगा, अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है तो। इसमें आप थोड़ा बहुत चेंज और भी कर सकते हो, लेकिन इसमें पहले आपको मैं सीवीसी बना के बताता हूँ। अभी एक ग्रैंड लीग का थोड़ा रिस्की कॉम्बिनेशन हो जाएगा, देखना है, बताता हूँ कैसे। देखो भाई, अगर क्या बोलते हैं एसआरएच पहले बैटिंग कर रही है ना, तो सबसे बढ़िया कैप्टन बता देता हूँ कौन कौन रहेगा। जडेजा रहेगा और पथिराना रहेगा। क्यों? क्योंकि जडेजा थोड़ा नीचे बैटिंग करता है, सेकंड बैटिंग करते हुए रन मार सकता है, एक आध विकेट ले सकता है फर्स्ट बॉलिंग में। पथिराना बाकी दे तो ओवर्स में गेंदबाजी करता ही करता है। बाकी देखो, सीएसके अगर हार रही है तो हो सकता है पथिराना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो बीसी अपना चाहो तो डेरिल मिचेल को भी कर सकते हो इसी टीम में ऐसे करके, ठीक है। डेरिल मिचेल फर्स्ट बॉलिंग में बॉलिंग से आपको काम करके दे सकता है, ध्यान रखना। बाकी सेकंड बैटिंग में रनों से भी अच्छा काम हो सकता है आपसे, डेरिल मिचेल से आपका, ठीक है। अब एक ग्रीन लीग की टीम बना के बताता हूँ, ध्यान से देखना है। मान के चलो कि सीएसके पहले बॉलिंग कर रही है, तो धोनी को ले लो, और किसको लोगे, एस रिजवी को ले लो, यहाँ से किसको लोगे, ट्रेविस हेड को, और चाहो तो मयंक अग्रवाल, ठीक है। ऑलराउंडर में आ जाओ, ऑलराउंडर में डेरिल मिचेल, रविंद्र जडेजा, और यहाँ से सीएसके बॉलिंग कर रही है तो पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान, और
यहाँ से भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, और किसको, यहाँ से जयदेव उनाडकट को, ठीक है, समझाऊंगा अभी इसमें होगा क्या आपका है। बचेगा एक प्लेयर बस, तो छह प्लेयर जब सीएसके के हो चुके हैं तो एक प्लेयर और सीएसके का ही रख लें क्या, लेकिन किसको रखें, सीएसके की तरफ से एक प्लेयर लेना चाहता हूं पर रखूं किसको, मिल नहीं रहा सही प्लेयर कोई। दीपक चेयर को रखना नहीं है, चलो पेट कमिंस को रख लेते हैं, ठीक है। तो ये टीम आपकी मालूम है कब काम करेगी, समझाता हूँ आपको कब काम करेगी, एक सेकंड यार। शाबाज अहमद इम्पोर्टेंट रहेगा, सुंदर भी इम्पोर्टेंट है लेकिन लूँ किसकी जगह पे, इसको हटा के सुंदर को ले सकता हूँ। अब सही है, आप समझ लो, देखो ये टीम है ना भाइयों, होगा तो आपको सीधा 2-4 करोड़ का मालिक बना सकती है। अब ये टीम मैंने क्या सोच के बनाई है आपको समझा देता हूँ। ये टीम मेरी ग्रैंड लीग की है, मैं सोच रहा हूँ कि हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है, और रन बना रही है अच्छे खासे, और उनके ओपनर ही लंबे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यही होता है, शुरू में विकेट जाना ही मुश्किल होता है। तो शुरू में देखो भाई बॉलर कौन कौन रहते हैं सीएसके की तरफ से, तुषार देशपांडे और दीपक चेयर, तीन तीनों ओवर दोनों के निकल गए शुरू में, तीनों 6 ओवर यहाँ तक के मयंक अग्रवाल और ये खेल गए ट्रेविस हेड। तो क्या है कि वहाँ से 6 ओवर आपके बॉलर नहीं थे आपके पास में, जो जिनके 3-3 ओवर निकल गए, फिर क्या पथी राना आएगा, जडेजा आएगा, वो विकेट लेता है तो आपके पास में विकेट आएगा, ठीक है। फिर क्या है कि एक के साथ एक फ्री वाले विकेट भी आ जाते हैं कई बार, तो जो तीसरा चौथा है वो फ्लॉप हो गया, बाकी आपका एक ओपनर टिका ही दे गया, फिर उसी ने अच्छे रन बनाए, थोड़े बहुत क्लासेन ने रन बना दिए, फिर हो सकता है जडेजा उसका विकेट ले जाए तो वो अपना मैचअप भी काम आ जाए, ठीक है। फिर शाबाज अहमद है, वॉशिंगटन सुंदर है, ये रन बना के दे दें, बाकी यहाँ से दे तो ओवर में पथिराना डेरल में चल और ये रबा क्या नाम है जडेजा विकेट लेते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बॉलिंग का अपना काम हो गया, प्लस अब मैं आपको बताऊँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है, तो शुरू में ही भुवनेश्वर कुमार और जयदेव उनाडकट को अच्छी स्विंग मिल गई, तो रचिंद्र रविंद्र अजिंक्य रहाणे शिवम दुबे ऋतुराज गायकवाड़ सब चले गए, और यहाँ से भुवनेश्वर और जयदेव उनाडकट विकेट ले गए, शाबाज अहमद वॉशिंगटन सुंदर ये सब पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, शुरू में 10 ओवर के अंदर ये चारों बॉलिंग करेंगे तो सारे विकेट आपके पास आ गए। फिर क्या है, नीचे के जो बल्लेबाज रहेंगे धोनी जडेजा डेरिल मिचल और धोनी ये एस रिजवी ये आपको काम करके दे सकते हैं, पथिराना ने बॉलिंग से काम करके दे दिया था, बस ऐसा हो गया तो जीएल विन हो गई इसी टीम से, यही सोच के तो मैं टीम बनाता हूँ हमेशा। कल देखा आपने चुम्मन गिल को कैप्टन रखा, विद्यमान शाह को रखा, मैंने शुरू के 3 लिए थे आपको बताऊँ, क्लियर बताऊँ, मैंने शुरू के 3 लिए थे भाइयों, विद्यमान शाह चुम्मन गिल साई सुदर्शन, शुभमन गिल के रिकॉर्ड अच्छे थे गुजरात में इसलिए कैप्टन कर दिया था उस टीम में, और वो टीम मेरी गुजरात की फेवर में थी। बाकी मैंने आपको वीडियो में बोला ही तो उमेश यादव सेकंड बॉलिंग में विकेट लेता है तो उसको वीसी रख दिया था, बाकी 2 प्लेयर में मैंने रिस्क ले लिया था, मैंने सोचा था कि राइट हैंडर्स के विकेट ले रहा है कौन, नूर अहमद, तो अपनी टीम में राइट हैंडर्स भर लिए और नूर अहमद को रख लिया, और दर्शन नालकंडे को इसलिए लिया था क्योंकि भाई उसका सिलेक्शन बहुत कम था, विकेट लेता तो मैं जीएल जीतता और वही हुआ, तो ये प्रेडिक्शन था कल मेरा कल के मैच। बाकी शशांक सिंह का मैंने समझा ही दिया था भाई, देखो जो टीम हारती उसका मिडिल ऑर्डर काम कर जाता है, पंजाब हारते हारते जीत गई और मिडिल ऑर्डर ने रन बना दिए। बाकी इंपैक्ट प्लेयर का सटीक प्रेडिक्शन तो हर मैच में देता ही हूँ ना भाई, इंपैक्ट प्लेयर में मोहित शर्मा ए शर्मा मालूम ही था आएंगे, ए शर्मा को रख लिया उस टीम में, जीत गया जील, तो ये वैसा ही प्रेडिक्शन है, ठीक है। अब इसमें आप बात रही सीवीसी की किसको कर सकते हो, तो भाई देखो चाहो तो ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल को कर सकते हो, ठीक है, दोनों लंबे जाएंगे तभी तो ये टीम काम आएगी, चाहो तो आप क्या कर सकते हो धोनी और जडेजा को अपना सीवीसी कर सकते हो, एक विकेट कीपिंग से पॉइंट दिला देगा, बैटिंग से दिला देगा, जडेजा आपको विकेट दिला के दिला देगा प्लस रन बना के बाद दिला देगा पॉइंट, चाहो तो आप क्या कर सकते हो इसी टीम में, नीचे के 2 बॉलर को बना सकते हो ऐसे, बहुत अच्छी स्विंग मिल गई शुरू में 3-3 विकेट ले गए या फिर आखिरी में 1-1 विकेट ले गए, शुरू में 3-3 ले गए तो ऐसा भी हो सकता है, दोनों भी सीवीसी बन सकते हैं सेकंड बॉलिंग में, चाहो तो भाई देखो ऐसा भी कर सकते हो,
ऑलराउंडर रन भी बना रहे हैं, विकेट भी चटका रहे हैं, मैच टक्कर का हो रहा है, ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते हो अगर चेन्नई पहले बॉलिंग करती है तो। अब एक काम और क्या कर सकते हो आप, मान के चलो हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही है, हैदराबाद नहीं चेन्नई पहले बैटिंग कर रही है, तो आप क्या करो, धोनी को हटाओ, क्लासेन को उठाओ, बैटिंग सेक्शन में जाओ, गेकवाड़ को उठाओ, रचिंद्र रविंद्र को उठाओ और यहाँ से अब्दुल समद को उठाओ, ऑलराउंडर में जाओ, ऑलराउंडर में यहाँ से आप किस किस को उठाओगे बताता हूँ। देखो चेन्नई को जिता रहे हो तो जडेजा को तो रख ही लेना, ठीक है, और किसको यहाँ से, ये दो ऑलराउंडर आज मुझे पता नहीं क्यों सारी टीम में घुस जाएंगे मेरे ऐसा लग रहा है, देख लेना इनको कुछ कुछ टीम से ड्रॉप करना भाई है ना, नहीं तो पूरी टीम में ले लो, फ्लॉप हो जाए तो ग्रैंड लीग मिस हो जाए फालतू। बाकी दीपक चेर को रखना है सेकेंड बॉलिंग में, तुषार देश पांडे को रखना है, पांच प्लेयर हो गए चेन्नई के। पेट कमिंस को रखना पड़ेगा फर्स्ट बॉलिंग में अगर एसआरएच की फर्स्ट बॉलिंग है, और किसको चाहो तो मार्कंडे को रख सकते हो, लेकिन नहीं रख रहा मैं अभी, और किसको रख सकते हो, शिवम दुबे को रख सकते हो, टीम रेडी हो गई है, ठीक है भाइयों, तो एक टीम आप ये भी बना सकते हो। इसमें आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो चाहो तो सुंदर हटा के डेरिल मिचल को ले सकते हो, या फिर एक हाथ गेंदबाज रख सकते हो, ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हो। बाकी ये टीम आपकी काम जब आएगी, जब सीएसके पहले बैटिंग करे उस कंडीशन में, ठीक है। बात रहेगी अब सीवीसी की, तो भाई कोई भी दो सीवीसी रख लो अपने हिसाब से, तो रिस्की सीवीसी बना लो या फिर सेफ सीवीसी बना लो। मैं बताऊँ किस किस को बना रहा हूँ, बताता हूँ, मैं बना रहा हूँ यहाँ से कैप्टन दीपक चेर को वीसी और यहाँ से सी जडेजा को, ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते हो चाहो तो। इसी टीम में और भी सीवीसी है, सभी को बना सकते हो भाई। देखो अगर आपके 11 प्लेयर चल रहे हैं तो बस आपको सीवीसी ढूंढना पड़ते हैं, वो रिस्की भी हो सकते हैं, सेफ भी हो सकते हैं, कम सिलेक्शन वाले भी हो सकते हैं, ज़्यादा सिलेक्शन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है भाइयों। बाकी जो न्यू अपडेट आई वो 6 बजे लाइव में बता दूंगा, 6 बजे लाइव में मिलो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, और हाँ यार गिव अवे बचा यार आपका, पहले गिव अवे का बता दूँ फिर उसके बाद में एक बात और बताऊँगा गिव अवे कैसे मिलेगा आपको। तो भाई उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, लीग 11 डाउनलोड करना है, उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। गिव अवे कितने का मिलेगा, तो भाई 15,000 रुपये का आपको गिव अवे फ्री मिलेगा मेरी तरफ से, प्लस यहाँ पे आईफोन जीतने का आपको मौका है। और इसके अलावा एक बेनिफिट और है, क्या बेनिफिट है बता देता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहीं पे स्मॉल लीग खेलता हूँ, तो यहाँ पे भाइयों एंट्री फीस बहुत कम है। जो कॉन्टेस्ट 3 मेंबर का 3,850 का होता है, यहाँ पे आपको 3,665 का मिलता है। जो कॉन्टेस्ट 4 मेंबर का 2,999 का होता है, वो यहाँ पे आपको 2,725 का मिलता है। तो भाइयों यहाँ पे एंट्री फीस बहुत कम है, प्लस यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तो यहाँ पे जीतना बहुत आसान है भाइयों। कम पैसों में ज़्यादा विनिंग्स करना चाहते हो, आसानी से करना चाहते हो, तो खेलो लीग 11 पे। प्लस लीग 11 को डाउनलोड करने पर आपको मेरी तरफ से 100 रुपये फ्री मिलेगा, 15,000 रुपये का गिव अवे हर IPL के मैच में मिलेगा। प्लस इसके अलावा आप अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हो, लीडर बोर्ड में टॉप करते हो, तो आपको थाईलैंड जाने की ट्रिप भी मिलने वाली है, ठीक है भाइयों। तो लीग 11 डाउनलोड कर लेना, बाकी टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, फाइनल मेरी टीम वहीं पर मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ठोक देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। IPL पूरा बचा हुआ है, ग्रैंड लीग का अगर सपना है तो पूरा करवाने बैठा हूँ, खुद जीत रहा हूँ, दूसरों को भी जिता रहा हूँ, हर दम एकदम सटीक प्रेडिक्शन दिए जा रहा हूँ, ठीक है भाइयों। तो जो कुछ था मैंने सब कुछ बता दिया है, बाकी अब 6 बजे लाइव में मिलूँगा भाइयों, जो भी अपडेट होगी वहाँ पर बता दूँगा, ठीक है भाइयों। तो मिलते हैं 6 बजे फिर, जब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।